दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल प्राचीन परंपरा पर। दोस्तों स्वप्न विज्ञान एवं स्वप्न शास्त्र से जुड़े एक नए रहस्य के बारे में आज एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आप कुत्ते के बच्चे को मार रहे हैं, कुत्ते के बच्चे को मारते हुए खुद को देखते हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि आने वाले निकट जीवन में आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों यदि आप अपने स्वप्न में कुत्ते के बच्चे को या फिर ये कहा जाए तो कुत्ते के बेबी को, छोटे बच्चे को, कुत्ते को मारते हैं तो यह एक बहुत ही अशुभ स्वप्न माना गया है स्वप्न शास्त्र एवं स्वप्न विज्ञान के अनुसार। यह स्वप्न संकेत करता है दोस्तों कि निकट जीवन में आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो यह स्वप्न संकेत करता है कि यदि आपने कुछ इस तरह का स्वप्न देखा है तो आपको कुछ समय के लिए सावधान और सतर्क रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल प्राचीन परंपरा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।